भी हमारे मीडिया के जो हमारी है प्रदेश के शर्मा जी और हमारे दयाल जी पानी थोड़ा सा माइक आगे करते चेयर आगे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी हमारे नवीन जी और सांसद जी हमारे बीच में मूल बात यह है कि जो कांग्रेस है देश की आजादी के पहले से ही आरक्षण के विरोध में थी इसलिए जब संविधान सभा का गठन हो रहा था तो संविधान सभा में डॉक्टर अम्बेडकर जी न शामिल हो पाए इसलिए कांग्रेस ने संविधान सभा के चुनाव में भी डॉक्टर अम्बेडकर को हटाया फिर उसके बाद योगेंद्र मंडल एक सीट खाली करा करके डॉक्टर अम्बेडकर को वहाँ से चुनाव जितवाया तब जाकर के वो संविधान सभा में शामिल हो पाया और फिर उसके बाद वो संविधान जिनके नेतृत्व में संविधान वो जो कांग्रेस का जींस है लगातार अभी तक के राहुल गांधी तक आते आते तभी राहुल गांधी जी जब अमेरिका की यात्रा पर गए राहुल गांधी जी अमेरिका की ही नहीं पूरे विश्व का दौरा करते हैं और ताजुब की बात यह है कि उन्होंने 257 से ज़्यादा यात्रा 2013 के बाद किया है 14 के चुनाव के लिए कांग्रेस के और इसमें से अधिक यात्राएं गुप्त यात्रा है 2014 में चुनाव आने के बाद इलाहाबाद पहुँच गए बीमार है 11 दिन कंबोडिया में रहे भूटान चले गए भूटान के राजदूत से मिले वहाँ चीन के राजदूत से मिले तो मिले क्या कारण है बहुत है क्योंकि हम और आप सब इसी देश के निवासी हैं तो सोचने का विषय है और जानने का विषय लेकिन अभी जब ये गए अमेरिका में इन्होंने वहाँ कह दिया कि हम जब समर्थ होंगे मतलब जब भारत जो है निष्पक्ष बनेगा निष्पक्ष का मतलब है इनका साफ साफ संस्था ये मतलब है कि भारत की संविधान के तहत चल रही केंद्र की सरकार या भारत का संविधान के डॉक्टर क्या वो निष्पक्ष नहीं है हम उसको निष्पक्ष नहीं मानते और उन्होंने कहा कि निष्पक्ष जब भारत रहेगा तब हम SC ST OBC का आरक्षण करना पड़ता है जो भी आरक्षण करना है यानी 10% का आरक्षण जो अपर कास्ट OBC संविधान में दिया गया उसको भी उत्तर पूर्वता देने का काम जैसा कि आप जानते हैं इसके पहले धारा 370 में जिसे जम्मू कश्मीर में लागू थी और वहाँ पर भारत का संविधान ही नहीं लागू था इसलिए भारत के संविधान के तहत केंद्र सरकार के द्वारा जो भी नीति लागू की वहाँ पर उनको उसका लाभ नहीं मिला यहाँ तक कि वहाँ के कुछ वाल्मीकि समाज के जो लोग थे उनको स्कूल करके जाने नहीं दिया जाता था वो साफ सफाई का काम भी उनसे किया जाता था जैसे ही धारा 370 द्वारा जो काम और 35 से वहाँ पर खत्म हुए भारत का संविधान लागू हुआ SC ST OBC और अपर कास्ट के लोगों को भी अच्छा ना हुआ लोगों को आवास मिलने लगे लोगों को मुफ्त में बिजली की कनेक्शन मिले किसानों के खाते में पैसा जाने लगा ये सारी सुविधाएं वहां पर भी ना लेकिन इसके पहले जो है अगर आप देखें तो बड़े पैमाने पर इन लोगों ने विरोध करते ही चल रहे जो पहले प्रधानमंत्री रहे पंडित जवाहरलाल नेहरू उन्होंने भी आरक्षण पर उंगली उठाने का काम किया और नेहरू की सरकार ने 1956 में पिछले वर्ष को आरक्षण देने काका कालेन तक की रिपोर्ट को खारिज कर लेना उसके बाद में 1961 में मुख्यमंत्री को भी पत्र लिखा पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने और का आरक्षण से अक्षमता उद्यम दर्जे का मानक आप सोचिए कि डॉक्टर अम्बेडकर
धन समाजते थे, उनके नेतृत्व में भारत का संविधान बना और उन्हें 20वीं सदी का ज्ञान का प्रतीक घोषित किया गया दुनिया का। और नेहरू जी ने यह कहा कि आरक्षण से दोयम दर्जे के नागरिक की चिंता है। इस तरीके का ब्लेम लगाना, बुद्धि किसी के बाप की बपोती नहीं होती, जाति आधारित तो धर्म आधारित नहीं होती। दिमाग कौन होगा, कितना होगा, ये उसके रहन सहन और उसके आर्थिक क्षमता पर निर्धारित नहीं है, जाति क्षमता पर निर्धारित नहीं है। लेकिन नेहरू ने जो इस तरीके के बात बोली, पूरी तरीके से इसके अलावा नेहरू ने डॉक्टर अम्बेडकर की सामाजिक और राजनीतिक जीवन को समाप्त कर दिया। जैसा पहले बताया कि अम्बेडकर सभा में आने नहीं दिया जाने का प्रयास किया और तो दो बार जो चुनाव लड़े 1952 में और 1954 में, दोनों बार कांग्रेस ने डॉक्टर अम्बेडकर को हराने का काम किया। एक बार उनके सेक्रेटरी को भी उनके सामने खड़ा करके डॉक्टर अम्बेडकर को हरा करके अपमानित करने का काम किया कि आप पूरी संविधान नरेंद्र मोदी के चेयरमैन रहे हो, आपके नेतृत्व में ना, लेकिन जिनको आप आरक्षण दे रहे हो, जिनको सुविधाएं दे रहे हो, देखिए आप उसी के तहत आपको हराने का काम करते हैं। तो इस तरीके से डॉक्टर अम्बेडकर का बहुत ही अपमान करने का काम कांग्रेस ने शुरू से करने का काम। इंदिरा गांधी जी ने जबकि 21 जजों की बेंच ने सुप्रीम कोर्ट में निर्णय किया था कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता, क्योंकि वो उसमें भारत के लोगों की आत्मा बसा, संविधान की आत्मा बसा। लेकिन इंदिरा गांधी जी ने 1975 में जब वो उनका चुनाव शून्य कर दिया गया है, उन्होंने इमरजेंसी लागू की, और 1976 में बगैर किसी बैठक को बुलाया, दरकिनार करके सारे संविधान की चीजों को उन्होंने हत्या कर दी थी, इस संविधान को सस्पेंड कर दिया। उस पीरियड में 1976 में उन्होंने भारत के संविधान के प्रस्तावना में संशोधन किया और उसमें मंत्रनिरपेक्षता की जगह उन्होंने धर्म धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ने का कहा। भारत के संविधान में अंदर कोई परिवर्तन नहीं, लेकिन उन्होंने प्रस्तावना मूल आधार में जिसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता, ऐसा 21 जजों की सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने इस तरह का निर्देश निर्णय दिया था, उनको न मान करके एक तरीके से डॉक्टर अम्बेडकर का और संविधान का काम करने का काम इंदिरा गांधी जी ने 1976। इसके अलावा जो है ओबीसी का आरक्षण जो मंडल आयोग की रिपोर्ट थी जिसमें ओबीसी को आरक्षण मिला था, उसको इंदिरा गांधी जी ने भी उसको दरकिनार करके डस्टबिन में डाल दिया था, उसको लागू करने का काम भी किया था। वो लागू हुई उसके बाद जब बीपी सिंह जी आए तब उन्होंने लागू करने का काम किया। इसलिए 1966 में 1977 तक संविधान में 25 बार संशोधन किया गया, 42वें संशोधन में 40 अनुच्छेदों में संशोधन और 11 नए अनुच्छेद जोड़ा। 2014 के बाद मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने, उसके मोदी जी के कार्यकाल में संविधान में केवल 8 बार संशोधन हुआ, अनुसूचित जाति जनजाति और पिछड़े वर्ग के हितों को ध्यान में रखा। जैसे नंबर 2017 में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया, ये कांग्रेस की फिक्र में संवैधानिक दर्जा है। 2019 में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग जो जनरल समाज के थे, अपर कास्ट के लोग थे, उनको 10% आरक्षण सूचित किया। 2019 में वित्त आयोग और संविधान की 6वीं सूची में संबंधित प्रावधानों में संशोधन। 2019 में लोकसभा और विधानसभाओं में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति आरक्षण का 10 वर्ष के लिए फिर से विस्तार किया गया, क्योंकि 10 साल के बाद आरक्षण समाप्त होता है,
उसके लिए 10 साल के बाद फिर से उसका आगामी विस्तार करने का काम किया। 2022 में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अपनी ओबीसी सूची में परिवर्तन करने का अधिकार भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा संविधान में संशोधन करने का काम। इसके पहले राजीव गांधी जी ये कहते थे कि 3 मार्च 1985 को एससी आरक्षण पर टिप्पणी की थी श्री प्रकाश आरक्षण और कहा था कि इस आरक्षण के माध्यम से हमें बुद्धों को बढ़ावा देना यानी शेड्यूल कास्ट सिस्टम समाज के लोगों को बुद्धों का। आज मैं आपको बता दूं कि बड़े पैमाने पर एससी एसटी ओबीसी समाज के लोग जब उनका कंपटीशन होता है जनरल से वो आगे निकल करके किसी भी कंपटीशन में जनरल में निकल करके आगे बढ़ करके बढ़ने का काम। राजीव गांधी के मंडलायुक्त की रिपोर्ट उनका विरोध भी राजीव गांधी ने किया था तभी लागू की गई थी और 1990 में लोकसभा में आरक्षण का जोर भी विरोध किया। मुसलमानों को आरक्षण देने की वकालत की जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने मूल संविधान में इसका कोई जिक्र नहीं किया था और ये आरक्षण की डिमांड किसी भी कीमत पर जो है धर्म पे आधारित नहीं बनाई गई थी। उन्होंने धर्म के आधारित आरक्षण देने की वकालत राजीव गांधी जी ने किया था जबकि जो ये आरक्षण है ये आरक्षण एससी और एसटी का जो है अनएलिजिबिलिटी के आधार पर हुआ था जिससे हमने प्रश्न मिला और पिछले वर्ग को आबादी के 50% का मिला 27% उस समय 54% आबादी की वो आर्थिक आधार पर उनको दिया गया और जो अपर कास्ट का आरक्षण प्रधानमंत्री जी ने तय किया 10% वो भी आर्थिक आधार पर तय करने का। लेकिन इसके बाद भी आप देखें कि जामिया मिलिया 2011 में और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी 1981 सरकारी सहायता प्राप्त संस्थानों की ये अल्पसंख्यक संस्थानों के रूप में बनी ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी के रूप में इन लोगों को या सेंट्रल यूनिवर्सिटी के रूप में और इनकी मान्यता है। लेकिन आज भी जामिया मिलिया में और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में शेड्यूल कास्ट के लोगों को एडमिशन के लिए वहां पर आरक्षण की मिल को लागू भारतीय जनता पार्टी ने इसके लिए एक आंदोलन भी चलाया उस आंदोलन की खिलाफत भी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में भी हुई जामिया मिलिया में भी हुई लेकिन इसमें ना शेड्यूल कास्ट ना एससी एसटी और ओबीसी किसी को आरक्षण देकर के वहां पर उन लड़कियों को एडमिशन नहीं दिया जाता। 93 संवैधानिक संशोधन 2005 के तहत अल्पसंख्यक संस्थानों को आरक्षण प्रदान करने में छूट दी गई और इस हर एक इस कदम में सैकड़ों संस्थानों के अधिकार छीन लिए गए और ये कांग्रेस के पीरियड में 2005 में किया गया जब मनमोहन जी की सरकार। अब मैं आपसे कहना चाहता हूँ देश की आजादी के 57 वर्ष तक के जो है कांग्रेस की सरकार चलती है और इस तरीके से कई डिस्कशन भी हुए। जब 2010 में संविधान के 7 वर्ष पूरे हुए तो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने गुजरात में उसमें वो मुख्यमंत्री थे संविधान गौरव यात्रा निकाली आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ही संविधान को अपनाने के लिए आप उन्होंने जो 25 नवंबर को 1949 को जो संविधान की कॉपी जब राष्ट्रपति जी को तत्कालीन प्रधानमंत्री जी को सरदार वल्लभ भाई पटेल गृहमंत्री जी को जब प्रस्तुति दी थी वो उसको और उसके दूसरे दिन 26 नवंबर को 1949 को उसको अधिसूचित कर दिया गया था अधिसूचित कर दिया था उसको संविधान दिवस के रूप में प्रधानमंत्री जी ने उस
उसको मनाने की घोषणा की। लेकिन कभी भी कांग्रेस ने संविधान दिवस मनाने का काम नहीं किया, क्योंकि उनको चिढ़ थी डॉक्टर अम्बेडकर से, इसलिए उन्होंने ऐसा करने का काम। संविधान का 90 बार दुरुपयोग करने का काम कांग्रेस ने किया, अनुच्छेद 356 का उपयोग करके 90 बार स्टेट की सरकारों बर्खास्त करने का भी काम किया गया। इसके अलावा ओबीसी कोटा जो होता है आरक्षण का, उसमें आंध्र प्रदेश में 4%, केरल में 8% और तमिलनाडु में 3.5% आरक्षण मुस्लिम समुदाय को ओबीसी से काट करके देने का काम, जबकि धार्मिक आधार के आरक्षण भारत के संविधान के अनुकूल नहीं है बल्कि प्रतिकूल है, ऐसा करने का काम किया। इस तरीके से जो है अगर देखें तो डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमा मूर्ति जो तेल चित्र है करना चाहिए था, वो भी वहां पर नहीं करते रहते पार्लियामेंट के सेंट्रल हाल में, बड़ा विवाद उससे हुआ। लेकिन जब कांग्रेस की सरकार नहीं रही तब वहां पर डॉक्टर अम्बेडकर का तेल चित्र लगा। पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कल्याण मंत्रालय जो था उसका नामकरण बदला, उसको सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय के रूप में उसका नाम रखा, और माननीय प्रधानमंत्री तत्कालीन अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग का एक उनको एक सशक्तिकरण के लिए बड़ा ही उस सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय की तरफ से उनको अधिकार दिए कार्यपूर्वक मजबूत होने का काम। इसके अलावा जो है डॉक्टर अम्बेडकर के जीवन में जो ऐतिहासिक स्थलों का काम था उसको भी अगर प्रधानमंत्री जी ने महू में जहाँ डॉक्टर अम्बेडकर की जन्मभूमि, लंदन में शिक्षा भूमि, नागपुर में दीक्षा भूमि, दिल्ली का महापरिनिर्वाण स्थल और मुंबई में चैतन्य भूमि शामिल है उसका पूरी तरीके से निर्माण कराया और पंचतीर्थ बनाने का काम। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 1990 में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को भारत रत्न से सम्मानित करने का काम किया, क्योंकि उनको बहुत पहले भारत रत्न के उससे सम्मानित करना चाहिए था। इसका कांग्रेस ने हमेशा विरोध करने का ही इसमें काम किया। कुल मिलाकर के मैं कहना चाह रहा हूँ आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लोगों के अंदर एक डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में अच्छा संदेश है, उसके लिए एक ऐप बनाया, उसका नाम भीम ऐप, और उसकी वजह से जो है वो भीम ऐप पे जाएंगे तो निश्चित तरीके से बहुत सी चीजें निकल करके आए। डॉक्टर अम्बेडकर के नेतृत्व में जिस तरीके से वो कानून मंत्री रहते हुए और भारत के संविधान को पूरी तरीके से लागू किया जाए, इसके लिए आदरणीय नरेंद्र मोदी जी उसी संविधान के तहत लोगों को हक और अधिकार दिलाने का 80 करोड़ जनता को मुफ्त में राशन, 55 करोड़ जनता को मुफ्त में इलाज दे रहे हैं, उसी संविधान के तहत लोगों को हक और अधिकार मिले है, कोई बगैर इलाज का रह जाए, कोई बगैर आवास के रह जाए। इसलिए प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना लागू की और उसके तहत प्रधानमंत्री जी ने लगभग 5 करोड़ आवास मंजूर किए और 3 करोड़ आवास फिर से मंजूर करने का काम। लोगों के अंदर एक मानसिक रूप से आर्थिक विषमता का एक डर जो पैदा रहता है, वो जरूरत की चीजें जैसे कि गैस सिलेंडर चूल्हे करीब 10 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को उपलब्ध है और लगभग 11 करोड़ से ज्यादा किसानों के खाते में 6,000 रुपये हर साल डालते रहते हैं। ये तो इस तरीके की सुविधाएं पूरे देश में जिनके घर में बिजली नहीं, सबके घर में एक सौभाग्य योजना के तहत लोगों के घरों पर बिजली के घर से मुक्त मिलाने का काम। इस तरह तमाम ऐसी योजनाएं प्रधानमंत्री जी ने जनधन योजना लागू की, उससे खाते खुले और उनके खातों में सीधे पैसा गया। ये सारी योजनाएं जो है गरीबों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, कमजोर वर्ग के लिए, वो किसी वर्ग का हो, किसी धर्म का हो,
उसको देने का काम। लेकिन राहुल गांधी जी ने जो जाते हैं विदेश में, वो किन लोगों के हाथ में खेलते हैं? देश विरोधी विदेशी ताकतों के हाथों का खिलौना बन गए हैं राहुल गांधी जी। और दो मुद्दे बात कर, दो मुद्दे देश के अंदर संविधान की किताब लेकर के घूमे और ये झूठा प्रचार किया कि मोदी जी की सरकार फिर से आ जाएगी तो आरक्षण खत्म हो जाएगा और संविधान बदल दिया जाएगा, इसके बाद वोट नहीं पड़ेगा। हर महीने महिलाओं को 8500 रुपये खटाखट मिलेगा, साल में 1,00,000 रुपये मिलेगा, ऐसा प्रचार किया। 4 तारीख को गिनती होगी, 4 जून को, 5 जून को आपको पैसा मिलना शुरू। लोग कांग्रेस के दफ्तर गए, पैसा मांगना शुरू किया महिला ने, ऐसे झूठ हो। उसी संविधान को जिसके यहाँ पर डर पैदा कर रहे थे, जिस आरक्षण पर डर पैदा कर रहे थे, चुनाव में 2024 की घोषणा अमेरिका में जाकर के वहां पर विरोध किया कि जब सक्षम सरकार हमारी यानी वह निष्पक्ष भारत बनेगा, मतलब कितना बड़ा ब्लेम लगाया, निष्पक्ष भारत यानी संविधान हमारा निष्पक्ष नहीं किया, डॉक्टर अम्बेडकर का आह्वान किया, तब हम आरक्षण को समाप्त करें। दोनों ही बात करना, ऐसे राहुल गांधी जो इतने बार यात्रा करने जाते उन पर पैसा कौन है? मैं भी 2 बार से सांसद रहा हूं, एक सांसद एक टर्म में सरकार के खर्चे पर एक बार विदेश यात्रा कर सकता है, लेकिन 257 बार विदेश यात्रा पे जो पैसा खर्च हुआ वो किसका है? क्या खुद राहुल गांधी ने खर्च किया, क्या कांग्रेस ने खर्च किया, या इसके पीछे कोई और खर्च करने वाला है? विदेश में जाकर के ये भारत विरोधी बात क्यों करते हैं? दलितों के विरोध की बात क्यों करते हैं? पिछड़ों के विरोध की बात क्यों करते हैं? आरक्षण विरोधी बात क्यों करते हैं? और मोदी जी की खिलाफत जो भी करना हो पार्लियामेंट के अंदर या यहां देश के अंदर करें, लेकिन विदेश में जाकर के भारत विरोधी बातें करना, लोकतंत्र विरोधी बातें करना, ये राहुल गांधी के जींस में अगर आया है तो किसके द्वारा है? और अगर इस तरीके का जो लगातार ये करते चले आ रहे, बोलते चले आ रहे, वो किसके कहने पर बोल रहे हैं? इसके बहुत डिटेल में जाएंगे, सारी चीजें निकल करके आएगी। लेकिन ये विदेशी ताकतें जो भारत विरोधी है, जो भारत को विकसित भारत नहीं बनना देना चाहिए, मोदी जी का जो टारगेट है 2047 तक विकसित भारत बनाना, आत्मनिर्भर भारत बनाना और नशा मुक्त भारत। सर आपने एक चीज का जिक्र किया, अम्बेडकर का जिक्र किया और ये कह दिया कि राहुल गांधी अम्बेडकर के विचार लेते नहीं, आरक्षण की चर्चा की। अम्बेडकर के प्रकोष्ठ का एक बयान आया है कि बीजेपी के दबाव बना रही है कि राहुल गांधी का जो आरक्षण पर बयान है उसका समर्थन दे, लेकिन वो समर्थन नहीं हम नहीं करते क्योंकि बीजेपी इस तरह की बात कर रही है, वो आरक्षण विरोधी है। नहीं नहीं, बीजेपी आरक्षण विरोधी अगर होती है तो बीजेपी ने साफ साफ कहा है प्रधानमंत्री जी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के रहते आरक्षण में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा। अभी सुप्रीम कोर्ट की एक एडवाइजरी जारी हुई थी और माननीय प्रधानमंत्री जी ने 9 अगस्त को कैबिनेट की बैठक बुलाकर के उसमें तय कर दिया कि इस आरक्षण में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा। जो उनके परपोते बयान देते होंगे वो उनका अपना निजी बयान है, वो क्यों बोल रहे हैं वो जाने, लेकिन निश्चित तरीके से भारतीय जनता पार्टी एससी एसटी ओबीसी और अपर कास्ट के गरीब तबके को 10% आरक्षण देने के पक्ष में है और इसीलिए भारत के संविधान में संशोधन किया और उसका विस्तार भी करने का काम किया। इसलिए जो भी बयान देता है वो गलत तरीके से बयान है, किसके कहने पर दे रहा है ये भी एक जांच। मायावती पूर्ण रूप से मुखर होकर सक्रिय राजनीति में
फिर से वापस किस रूप में देख रहे हैं आपके उत्तर प्रदेश से आप लोग किस रूप करते हैं? नहीं तो राजनीति में वापस आना मायावती जी का फिर से सक्रिय भूमिका अदा करना अच्छी बात है, तो गलत बात नहीं है। और कभी भी कोई भी राजनीति में सक्रिय रूप से रहे हमेशा के लिए रहे इसके लिए बीजेपी स्वागत करती, किसी का रोक लगाने का काम नहीं करता। लेकिन मैं साफ तौर पर बीजेपी का एजेंडा रखा, बीजेपी का एजेंडा साफ है पूरी तरीके से। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एजेंडा साफ है, एससी एसटी ओबीसी का आरक्षण, 10% अपर कास्ट का आरक्षण, जम्मू कश्मीर में धारा 370 से खत्म करके संविधान को वहां लागू किया जिससे वहां आरक्षण मिल रहा है, पूरी तरीके से साफ है आरक्षण के हित में रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब तक की रहेगी तब तक के आरक्षण पूरी तरीके से रहेगा, संविधान में आरक्षण के समाप्त पर कोई भी परिवर्तन होने वाला नहीं है। जो भी इस संबंध में बात करता है वो गलत प्रचार करता है बीजेपी। राहुल गांधी का आरक्षण विरोधी बयान है और वो एससी एसटी ओबीसी से राहुल गांधी ही नहीं कांग्रेस हमेशा इसके विरोध में रही है, डॉक्टर अम्बेडकर के विरोध में कांग्रेस नहीं है। डॉक्टर अम्बेडकर जी को शुरू से ही कांग्रेस पसंद नहीं करती है, ना नेहरू जी, ना इंदिरा जी, ना राहुल गांधी जी, और ना अब उनके जो राहुल जी है वो राजीव गांधी जी। एक सवाल है दयाल दास बघेल जी से, सर एक सवाल है आपके, आज विषय आरक्षण पे ही रखेंगे फिर आप अलग से तो ठीक है फिर चले। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। एक बात मैं कहना चाहता हूँ वो ये कि विकसित भारत आत्मनिर्भर भारत बनाने मीडिया के साथियों की बहुत जरूरत है। ये देश मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरीके से उन्होंने 2047 भारत को दुनिया का सिरमौर बनाया, यानी हम शिक्षा के क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में और अपने सिक्योरिटी के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में हम रोजगार के क्षेत्र में कैसे आत्मनिर्भर बनेंगे, हर परिवार विकसित हो, हर परिवार आत्मनिर्भर बने और नशे से दूर रहे, इसके लिए ड्रग्स फ्री इंडिया का भी मूवमेंट मोदी जी ने शुरू किया है। इसमें हम आपकी मदद चाहते हैं और हम चाहते हैं कि आपकी मदद के बगैर विकसित भारत बनाना, आत्मनिर्भर भारत बनाना, नशा भारत बनाना ये भी जरूरी है और आपके मदद से ही संभव होगा। दूसरा, जो लोग विदेश में जाकर देश विरोधी बातें करते हैं उनका पर्दाफाश करना आप ही के द्वारा जनता के बीच में जाएगा, इसके लिए मैं आपका अभिनंदन करता हूँ। आरक्षण पे धन्यवाद। एक प्रश्न है आरक्षण पे, विदेशी फंडिंग आ रही है तो क्या लगता है कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी को कौन फंडिंग करना है? देखिए विदेशी फंडिंग आई है, तमाम एनजीओ जिनको एफसीआरए मान्यता मिली हुई थी उनमें अपार धन आया हुआ है और वो धन का दुरुपयोग किया गया है, इसीलिए सरकार ने उस पर जांच करने का काम कर रही है और जांच हुई। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर सभी का।